स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों की इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांश श्रीवास्तव। तो आई रुख करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। हसरत की बेटी को जल्द से जल्द न्याय दे सरकार। जी हां, पंजाब मोगा में 7 अक्टूबर FCI रोड पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और रोष प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश प्रशासन जल्द से जल्द हसरत की बेटी के गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा नहीं दे देती, तब तक उत्तर प्रदेश की सरकार के विरोध में हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। मोगा से कुलवंत लगातार हसरत की बेटी को न्याय दिलाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए बहना चौक से राजू की यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सरकार नाल आपका रोष व्यक्त करते हुए आपका रोष प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार ते उत्तर प्रदेश की सरकार अपना विरोध जताते हुए कि हथरस दे विच जो बच्ची नाल होया सी बहुत ही क्रूरता भरिया जो कि शब्द है नहीं कुछ कहूँ उन्होंने इंसाफ दवाने लई लगातार मोगे विचों आवाज़ चकते हुए कुलवंत बहुत हथरस दे विच जिहड़ी घटना हुई सी बहुत ही निंदनीय है ते ओ उस घटना नू जिन्ना भी निंदिया जा सके घट है। मेरा नाम कुलवंत राय बहुत, मैं मोगा पंजाब तो वाल्मीकि समाज तो बिलोंग करदा। साड़ी पुरजर अपील यही आ यूपी सरकार नू भी मनीषा दे कातलां नू जल्द तो जल्द सज़ा दिती जावे। जिन्नी छेती उन्हां नू फांसी दी सज़ा होगी उन्नी ही छेती साडे समाज नू थोड़ा जिहा हौसला होगा। ये जिहड़ा दलित समाज नाल धक्का हो रहा वा, जिन्ना भी ये धक्का कर रहे हैं BJP सरकार मोदी सरकार, अगर जे साड़ी सुनवाई छेती नहीं करते तो असी इन्हों का पूरे वाल्मीकि दलित समाज नाल इन्हों का बाइकाट करांगे। किसे हरेक गरीब नाल हरेक दलित समाज धक्का कर रही है, इहो जी सरकार नाल साडा कोई लिंक नहीं रहूगा। अगर जे सुनवाई नहीं छेती करते तो असी पूरे नैशनल लेवल पर मार्च कढ़ांगे, कैंडल मार्च करांगे और प्रदर्शन करांगे, रैलियां निकलनगियां और हो सकदा भी साढ़े कल का जिवें जिस हिसाब ना साढ़े कल का सफाई का मुकम्मल काम बंद आ सफाई सेवक वालों पूरे पंजाब दे विच, ते जे नहीं होंदा ते हो सकदा सी इहदा ज़्यादा लम्मा समा लवेंगे, इन्हां नूं हड़ताल असी पूरियां करावांगे। ये काम असी होण नहीं देना, जिन्नी छेती हो सके इह जल्द तो जल्द सज़ा दित्ती जावे। मोदी सरकार हाय हाय। मैं राजू पासी मोगा FCI रोड। शशि चौहान को सौंपी जिम्मेदारी। जी हां, उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरिता आर्या ने ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी विकासनगर की जिम्मेदारी शशि चौहान को सौंपी। कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व संगठनात्मक अनुभव को देखते हुए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सरिता आर्या ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल करते हुए लंबे समय से चल आ रही ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विकासनगर पद की जिम्मेदारी शशि चौहान को सौंपी। वहीं शशि चौहान ने ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि चयन कमेटी का आभार व्यक्त करती हूं जो मुझे इस लायक समझा। देखिए विकासनगर से सविता रानी की यह रिपोर्ट। विकासनगर देहरादून उत्तराखंड से इस समय कांग्रेस भवन में उपस्थित हूं, जहां पर संबंधित प्रेस वार्ता की गई है महिला अध्यक्ष को लेकर। जो आज यहाँ पे प्रेस वार्ता हुई है वो काफ़ी समय से ब्लॉक महिला मोर्चा अध्यक्षा का पद यहाँ पे देखते चल रहा था, तो आज चयन कमेटी के द्वारा ब्लॉक अध्यक्षा के पद के लिए मुझे मनोनीत किया गया है और इसी परिपेक्ष में यहाँ पे आज प्रेस वार्ता है। क्या आपको नहीं लगता कि पार्टी जो है बिखराव चल रहा है, महिला संगठन आपको एकत्रित करने के लिए समय मिलेगा इतना समय और एक साल जो है विधानसभा चुनाव का रह गया है? देखिए कोई भी काम कठिन जरूर होता है लेकिन असंभव नहीं, और पार्टी के अंदर जो बिखराव है मानते हैं कि उसके लिए एक निश्चित बहुत बड़ी समय अवधि नहीं है, लेकिन प्रयास करने से सब कुछ संभव होगा और इस बीच जो भी संभव प्रयास होगा पार्टी के बिखराव को एक किया जाएगा। वैसे तो ये बिखराव सिर्फ कहने की बात है लेकिन अभी भी कांग्रेस विचारधारा के जो लोग हैं बस थोड़ा सा एक एनर्जी पैदा करने की ज़रूरत है और भाजपा की जो कुनीतियाँ हैं उससे ऑटोमेटिकली कांग्रेस इस समय फ्रंट फुट पे आएगी, ये मेरा मानना है।
देश में इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, पूरे विश्व में हुई है, कोरोना जैसे काल में जो है पूरी पर चरमरा गई है व्यवस्था, तो क्या आप उसमें भी देखते हो कि व्यवस्था किस तरीके से बनाए रखी है कांग्रेस पार्टी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी भी इस बार विधानसभा चुनाव में कदम रख रही है। देखिए, जहां तक कोरोना की बात है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में मात्र एक केस आया था, दिसंबर में शायद केस आया था, तो उस समय माननीय राहुल गांधी जी ने सरकार को कई बार सचेत किया और कहा था कि इस पे कार्रवाई की जाए, लेकिन वो बिल्कुल बात को अनसुना कर दिया गया, उसको एक नाटकी ढोंग बता दिया गया। और उसके बाद की जो कोरोना को लेकर के जो कार्यक्रम सरकार के द्वारा बनाए गए, वो आज हम सबके बीच में, कोई प्लानिंग नहीं की गई, एकदम से लोगों को, प्रवासी लोगों को बोल दिया गया कि आप जाइए। दूसरी तरफ इस कोरोना की आड़ में जो कर्मचारियों के साथ आघात हुआ है, जो आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है, वो अलग है। तो कहीं ना कहीं पर मुझे लगता है कि ये जो कोरोना काल था, इस कोरोना काल की को गलत तरीके से संचालित करने का भी एक बुरा असर समाज पे पड़ा है। पार्टी इसको सही तरीके से, जो आज सत्तारूढ़ पार्टी है, वो उसको सही तरीके से नहीं खत्म की। आपने राहुल गांधी जी की बात की है कि जब एक केस आया था, मगर आज जो देश में 5.5 लाख 6 लाख के समथिंग केस हो गए हैं, तो उस टाइम की अगर कांग्रेस पार्टी होती तो क्या उसमें एक्शन लिया जाता? अब की भाजपा सरकार के पक्ष पे बिल्कुल उसमें एक्शन लिया जाता। और सबसे पहली बात, उस समय जो सबसे पहला एक्शन जो मुझे लगता है वो ये लिया जाता कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं थी उनको कहीं ना कहीं पर रोका जाता। और जबकि इस समय सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से कंटिन्यू ऐसे कार्यक्रम होते गए जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय आवागमन था वो नहीं रुका और व्यवस्थाएं भी नहीं की गई। और जब बिल्कुल बीमारी ऐसे कगार पर आ गई कि जब सबसे ज्यादा जरूरत सरकार की लोगों को थी, तो उस समय उसको छोड़ दिया गया, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया, जबकि ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। लेकिन इसकी जो एक सही प्लानिंग होनी चाहिए, वो सही प्लानिंग सरकार नहीं कर पाई है। जबकि मुझे लगता है, क्योंकि मैं एक कटु बात को ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के अंदर बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी वर्ग कांग्रेस के अंदर है, पढ़ा लिखा वर्ग कांग्रेस के अंदर है, और उनकी जो सोच है और उनके जो तरीके हैं काम को करने के, वो बहुत सुनियोजित और एक तरफ से कहें तो नियमबद्ध होते हैं, क्रमबद्ध होते हैं। और अगर सर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं दावे से कह रही हूँ कि इतनी भयंकर स्थिति तो नहीं होती। आप लोक प्रमुख पद पर जो है चुनी गई हैं, काफी दिन से ये पद खाली चल रहा था, तो आने वाले समय में आपकी किस तरीके से नीतियाँ रहेगी? विधानसभा चुनाव आपके सर पर खड़ा है। सबसे पहला जो मेरा प्रयास रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारी महिला जो टीम ब्लॉक की जो बनेगी उसको संगठित करने का रहेगा, और जितने हमारे यूथ वर्ग हैं और जितने हमारे ब्लॉक के अंदर विभिन्न विभिन्न संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, कुछ गैर राजनीतिक संगठन हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो कि सरकार की नीतियों से बहुत ज़्यादा त्रासित हैं, तो उन सबको एकजुट कराना मेरा प्रयास रहेगा। और किसी भी एन केन प्रकार मेरा प्रयास ये रहेगा कि कांग्रेस को हम मजबूत बनाएंगे और विधानसभा में एक बहुत, जिसको कहते हैं कि कट्टर टक्कर देने के लिए हम खड़े करें। एक लास्ट मेरा सवाल आपसे यह है कि आम आदमी पार्टी इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई देगा सीधा तौर पर? जहां तक नुकसान की बात है तो वो तो स्वाभाविक बात है कि मैदान में अगर ज्यादा खिलाड़ी होंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चुनौती हमारे लिए आम आदमी पार्टी बन सकती है, क्योंकि सरकार की कुनीतियां जो हैं, और जहां तक आम आदमी की हम बात करते हैं, ठीक है दिल्ली में वो पार्टी सक्सेस है और दिल्ली में जो काम उन्होंने किया है उस काम के बलबूते वो यहां लोगों को कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे, तो वो उनका काम है, हमारा काम तो अपना है कि हमारा क्या काम है, हम विकास को लेकर क्या काम करेंगे। और एक हमारे लिए संघर्ष का एक छोटा सा माध्यम हो सकती है हम पार्टी, लेकिन हमें टक्कर दे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस समय उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है। डीएलएड छात्रों का लगातार धरना जारी। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है, जहां उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही है, वहीं प्राथमिक शिक्षा भर्ती के सभी मानक पूर्ण करने के पश्चात भी डीएलएड प्रशिक्षकों को सरकार की तरफ से केवल आश्वासन ही मिल रहा है। एक प्रतिभागी परीक्षा पास कर राज्य सरकार के अधीन 1-2 वर्ष कठिन नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करके उपरांत भी नियुक्ति के लिए धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो रहा है, तो वहीं प्रशिक्षकों के लिए
यह किसी मानसिक शोषण से कम नहीं है। वहीं दूसरी ओर यह स्वयं राज्य सरकार की चयन प्रक्रिया व प्रशिक्षण पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहा है। जब तक सरकार द्वारा लिखित में नियुक्ति संबंधित कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी, तब तक यह गदरपुर तहसील में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। गदरपुर तहसील में धरना कर रहे प्रशिक्षकों ने शिक्षा मंत्री को पुनः उनके वादे की याद दिलाई, जिसमें मंत्री की द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि डायट डीएलएड बोर्ड 2017 से 2019 को प्रशिक्षण संस्था ने कराया है और इसकी नियुक्ति की जिम्मेदारी सरकार की है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की यह रिपोर्ट। सर हम लोग धरने पर क्या, हम लोग तो शिक्षक हैं, हमको आता ही नहीं है धरना किस तरीके से करा जाता है, कैसे हम इसको करते हैं। बस हमने हम इतना परेशान हो चुके हैं, हम उत्तराखंड सरकार के अधीन रह करके हमने द्विवर्षीय प्रशिक्षण यहाँ से लिया है। सभी डाइटों के, राजकीय डाइटों से हम लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और मंत्री जी के स्वयं के आश्वासन के बाद भी हम लोग आज, हमें 9 महीने हो गए हैं हम अपने प्रशिक्षण को पूरा करें और हमें कोई सुनने वाला नहीं है। हम दर बदर हम भटक रहे हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है। हमारे मंत्री जी से बस ये अनुरोध है कि वो अपने वादे को याद रखें और उसको पूर्ण करके हम सभी डीएलएड डाइट डीएलएड को नियुक्ति दें, जल्द से जल्द नियुक्ति करें। ये बताना चाहती हूँ कि आज से 3 साल पहले हमने एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया था जो डाइट से डीएलएड नाम से प्रचलित है, तो उसके बाद हमने 2 साल की ट्रेनिंग की थी डाइट से ही और हमारी 2019 दिसंबर में कम्प्लीट हो चुका था और अप्रैल तक हमें ज्वाइनिंग देने की बात कही गई थी मंत्री जी द्वारा, परंतु अब तक 9 महीने बीत जाने के बावजूद भी हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। हमारी सरकार से सिर्फ एक यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी नियुक्ति की जाए, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान ही कुछ नियमावली में परिवर्तन कर दिए गए थे, तो हम सरकार से सिर्फ इतना चाहते हैं कि सरकार मूल नियमावली से हमारी नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र करे और हम जो डाइट से प्रशिक्षित बच्चे हैं जिसमें हम 70,000 में से 519 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, तो हम 519 बच्चों को अपने अपने जनपदों में या किसी भी काउंसलिंग के थ्रू जल्दी से जल्दी अंदर लिया। आज हमारे इस उत्तराखंड के 60-70% लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेज रहे हैं, उन स्कूलों के बच्चों का भविष्य आज सब अधर में है। इसी आज भगत सिंह के माध्यम से हमें जानकारी उनके पास पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम अब अनुनय विनय का ही बहुत बात होगी, अब हम क्रांति के रास्ते पर चल पड़े हैं। अगर जल्दी अगर हमारी बातें नहीं मान, दिखाया गया है कि जब आपकी कोई बातें नहीं सुनता तो आप उसे अपने तरीके से हमें बात सुनाइए। अभी हम यहाँ पर आगामी आने वाले दिनों में अपना क्रमिक अनशन शुरू कर रहे हैं, क्रमिक अनशन के बाद हम लोग आमरण अनशन के लिए कहेंगे, उसके बाद हम शिक्षा मंत्री के आवास की तरफ कूच करेंगे और हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह आपकी सरकार ने आपके अधीन रह के हम लोगों ने प्रशिक्षण किया और आज आप ही लोग हम लोगों से मुंह मोड़ रहे। खोले जाने से अभिभावक हुए परेशान। जी हां, उत्तराखंड सरकार 15 अक्टूबर को स्कूल खोले जाने का मन बना रही है, परंतु कोविड-19 के चलते बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। छोटे बच्चे व बुजुर्गों को कोरोना से बचाने की जरूरत है। कोरोना का संक्रमण चारों तरफ फैल रहा है। राष्ट्र के भावी करणधारी के जीवन का रिस्क कोई भी अभिभावक लेना नहीं चाहते हैं। इस मामले को लेकर ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष अरविंद जी व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीएम विकास नगर को ज्ञापन सौंपा गया। देखिए विकास नगर से सविता रानी की यह रिपोर्ट। सर ये ज्ञापन आपने जो दिया है ये आज किस विषय में दिया है? ज्ञापन जो हमारे दिया गया है ये नेशनल पेरेंट्स राइट एसोसिएशन के माध्यम से आज एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे तहसील विकास नगर के जो जिलाधिकारी के माध्यम से जो है सरकार को भेजा है। सरकार 15 अक्टूबर से जो है स्कूल खोलने जा रही है, जबकि हमारे क्षेत्र में कोविड-19 के क्षेत्र में बहुत केस आ रहे हैं, इसको लेकर सरकार जो फैसला लेने जा रही है इसी को लेकर हमने ज्ञापन दिया कि अभी हमारे क्षेत्र में जो है कोविड-19 का बड़ा प्रकोप है। रोज आए दिन 10-15 तहसील में निकले, हमारे अन्य क्षेत्रों में लोग जो है जौनसार से लेकर पचवाकुंड क्षेत्र में कई फैक्ट्रियों में जो है कोविड-19 के केस आ रहे हैं। इसी को लेकर सरकार को जो है पुनः इस पर विचार करना चाहिए कि अभी स्कूल ना खोले जाएं, छोटे बच्चों और बड़े जो लोग हैं जो 60 साल के हों उनको ज़्यादा खतरा। पानी की समस्या से आज भी जूझ रहे हैं लोग। जी हां, उत्तराखंड की जिला देहरादून के विकासनगर तहसील में आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं व गुरमेल सिंह राठौर एडवोकेट के नेतृत्व में
मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन एसटीएम विकास नगर के माध्यम से प्रेषित किया गया और तहसील विकास नगर में जमकर नारेबाजी की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी व एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर का कहना है कि लक्ष्मीपुर गांव में पेयजल की समस्या बनी हुई है। वहीं गुरमेल सिंह राठौर ने बताया कि लक्ष्मीपुर गांव में स्वजल परियोजना के अंतर्गत पेयजल योजना लगाई गई थी, जिससे लक्ष्मीपुर के लोगों को पानी मिलने लगा था, मगर गाँव की जनसंख्या बढ़ने से गाँव में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न होने लगी और 1999 में पानी की समस्या बद से बदतर हो गई और गांव में पानी की समस्या को देखते हुए पेयजल समिति लक्ष्मीपुर द्वारा इस योजना को पेयजल उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया गया कि गांव के 400 परिवारों को पानी मिल सके, लेकिन विभाग द्वारा हस्तांतरित हुए योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी विभाग ने इस समस्या पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है और विभाग द्वारा अभी तक 1 फीट भी पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी ने तहसील में प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया। देखिए विकास नगर से सविता रानी की यह रिपोर्ट। गुरमेल भाई, क्या है बिजली पानी का जो मामला है? भाई साहब, ग्राम लक्ष्मीपुर में पेयजल की समस्या आजादी के 73 साल बाद भी जू की तू बनी हुई है। वर्ष 1999 में स्वजल योजना के अंतर्गत एक योजना बनाई गई थी, उस योजना की क्षमता भी इतनी नहीं थी। दिन प्रतिदिन गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, आज उस गांव में 400 परिवार हो गए हैं और पेयजल योजना की क्षमता खत्म हो गई थी। वर्ष 2018 में ग्राम पेयजल समिति द्वारा स्वजल योजना को पेयजल विभाग उत्तराखंड को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, लेकिन 3 वर्ष बीत चुके हैं, पेयजल विभाग ने 1 फीट पाइपलाइन आज तक ग्राम लक्ष्मीपुर में पेयजल की समस्या को लेकर उसे समाधान के लिए नहीं बिछाई है। आज 73 वर्ष बाद भी ग्राम लक्ष्मीपुर के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा भी करोड़ों रुपए लगाकर एक पंपिंग योजना ग्राम बरोटी वाला लक्ष्मीपुर जामन खाता के लिए बनाई गई थी, वह भी जू की तू खड़ी है, ओवरहेड टैंक बन चुका है, पंपिंग योजना चल रही है, लेकिन ग्राम लक्ष्मीपुर के लोग आज भी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं कहना चाहूँगा इस उत्तराखंड प्रदेश की गूंगी बैरी सरकार से कि आप होश में आ जाओ, नहीं तो जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। जनता सरकार बनाना जानती है और उसे हटाना भी जानती है, और मैं मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ, यदि 15 दिन में ग्राम लक्ष्मीपुर की पानी की समस्या का निदान नहीं किया जाता है तो आम आदमी पार्टी विकास नगर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगी। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।